अध्यादेश के बारे में आप लगातार जिक्र करते हैं कि इसको केंद्र सरकार ने बिना किसानों से सलाह मशविरा किए, बिना पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिए पास करवा दिया। अब चूंकि पंजाब में, हरियाणा के कुछ भागों में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के लोग हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर पर गद्दा लगा कर यात्रा कर रहे हैं, वो किसानों की क्या बात करेंगे। और अगर बाकी वाकई किसान परेशान है देश के दूसरे हिस्सों में, वहां कोई बात क्यों नहीं करता, वहां कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? देखिए बात क्या है, पहले आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस पे आक्रमण किया, उनको आपने खत्म कर दिया। फिर आपने जीएसटी कोविड के समय आपने अपने दो तीन मित्रों की मदद की, लाखों करोड़ रुपए आपने उनका माफ कर दिया। मजदूर घर पैदल जा रहे थे हजारों किलोमीटर, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, आपने एक शब्द नहीं बोला। उनको आपने वार्निंग ही नहीं दी, एक दिन वार्निंग नहीं दी। कमरे में बैठे आपने कहा लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन कर दिया, मर गए वो 100-200 लोग, वैसे ही मर गए। आपने जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश को रोजगार देती है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म कर दिया है ये देश। और आप देखना, मैंने फरवरी में कोरोना की बात की थी, उन्होंने कहा राहुल गांधी मजाक कर रहे हैं। अब देखिए समझ किसको है किसको नहीं है। एक व्यक्ति आपको कह रहा है, फरवरी में कह रहा है कि कोरोना से हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान के लोगों पर बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है 22 दिन में यह लड़ाई जीती जाएगी। समझ किसको है ये तो आपको जज करना है, मैं तो नहीं कहूंगा। एक व्यक्ति कहता है 22 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसको यह भी नहीं मालूम कि कोरोना है क्या, देश क्या है, कैसे चलता है। उस टाइम भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और अब मैं आपको बता रहा हूं और आप लिख के ले लीजिए, आज भी मजाक उड़ाएंगे, मगर 6 महीने बाद याद रखना जो मैं आज कह रहा हूं। दो चीजें आपसे कहूंगा, पहली बात, यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। नरेंद्र मोदी ने यह ढांचा तोड़ दिया है। अब नरेंद्र मोदी खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख लेना। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं, ये एक प्रकार से किसान का, फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। किले में कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कमियां नहीं, कम मंडियां हैं, करप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मगर किले को अगर आपने तोड़ दिया तो किसान बच नहीं सकता। अब नरेंद्र मोदी किले को क्यों तोड़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने जीएसटी क्यों की? नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय गरीबों की मदद क्यों नहीं की? दो नाम दे सकता हूं आपको, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो, और हमारे लिए रास्ता खोलो। अब मजाक कौन कर रहा है ये आपको डिसाइड करना है। रमन जी, आई विल कम बैक टू यू, वी हैव टू, आई विल कम बैक टू यू, वी विल गिव यू अ सेकंड क्वेश्चन। क्या भाई, ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम पर असर पड़ेगा।
जो आपको जो जब आप अनाज खरीदते हो मार्केट में, आप खरीदते हो, जो आपको प्राइस मिलती है वो प्राइस आपको इसलिए मिलती है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। जब गरीब व्यक्ति को राशन दिया जाता है वो राशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। अगर आप स्ट्रक्चर को ही तोड़ देंगे तो आने वाले समय में आपसे भी ज्यादा पैसा लिया जाएगा। सिर्फ ये सिर्फ देखिए, लोगों ने कहा हां ठीक है जीएसटी कर दी तो हमारा क्या नुकसान है, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को नुकसान होगा मगर जो कंज्यूमर है उसको क्या नुकसान होगा, बट नुकसान होगा क्योंकि जब वो कलैप्स करेगा आप कलैप्स करोगे। तो हिंदुस्तान में सब चीजें कनेक्टेड है और अगर आप एक चीज को छूओगे तो दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं।